पूरा दिन थका होने के बाद हम पहुंचे अमृतारा रिजॉर्ट और मेरी पूरी थकान उतर गई उसका वुडन ब्रिज देखकर जिसे हमने एंटर किया। वी फेल्ट एज इफ दिस वाज अ जंगल एंड आपको मॉर्निंग में दिखाती हूँ। चलिए आपको एक रूम टूर दे देते हैं गाइस। बहुत ब्यूटीफुल रूम है, अपने सरप्राइज के साथ ही हमें मिला है। सरप्राइज है कि इसमें प्राइवेट पूल है। पूल देखते हैं, ये एक वार्म वाटर पूल है और इसमें क्योंकि यहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा है तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पे वाटर ठंडा है। फ्रेंड्स, बाथरूम भी इतना डिफरेंट और बिग था कि साउथ इंडिया या केरल की स्पेशलिटी कहीं तो ओपन शावर है यहाँ, जो हमें नॉर्थ या ईस्ट इंडिया में कहीं भी नहीं मिला। शावर एक सीटिंग एरिया है, मैं मॉर्निंग में बहुत मजे करने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं निकल चुकी हूँ रिसॉर्ट घूमने। चलिए चलते हैं सबसे पहले रिसेप्शन। एक मिनट, मुझे याद आया कि जब बुकिंग की थी तो पिक देखी थी ओपन डाइनिंग की, तो यहाँ मुझे बहुत पसंद आया था सब कुछ, तो चलो पहले वो ढूंढते हैं। ओह, ये मिल गया, ओपन डाइनिंग है ना, एकदम वाइल्डली नेचुरल। और एक क्लोज डाइनिंग भी है यहाँ पे, वो भी देखते हैं अभी।
देखिएगा आप कितना खूबसूरत लगता है ये इस टाइप का ओपन डाइनिंग। चलिए अब रिसेप्शन पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ का स्टाफ इतना स्वीट था ना, ऑफ सीजन था गाइस, कोई गेस्ट नहीं था एंड इट वाज एन ऑफ बीट प्रॉपर्टी। मोस्टली फॉरनर्स प्रिफर टू स्टे हेयर बिकॉज दे नो इट्स इम्पॉर्टेंस। अपने इंडिया के लोगों को थोड़ा कम क्रेज होता है, बट बिलीव मी गाइस, यू विल बी क्रेजी अबाउट दिस प्लेस इफ यू विल कम हेयर। विंटर्स में यहाँ रिसॉर्ट्स के अंदर ही आपको पूरा स्पाइस गार्डन भी मिलेगा। यू कैन सी हाउ स्पाइसेस ग्रो हियर इन केरला। अभी सिर्फ इलायची के पौधे दिख रहे हैं यहाँ, मैं आपको दिखाऊंगी और घूमते घूमते। घूमते घूमते यहाँ पे किसी एनिमल की आवाज़ आ रही थी तो मैंने सर्च किया और ये डक देखिए कितनी खूबसूरत है। थोड़ी देर हम यहाँ रुके, तथा वाज हैविंग फन सीइंग दिस। हमने पूल साइड मॉर्निंग टी ली और साथ में म्यूजिक चलाया एंड वी हैड लॉट्स ऑफ फन। मस्ती पूल में भी हमने थोड़ा फन किया, थोड़ा सेफली किया बिकॉज हमें स्विमिंग नहीं आती। अब हम तैयार हो चुके थे गाइस, ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था साउथ इंडियन डोसा एंड इडली सांभर ब्रेड बटर।
तो बस रिचुअल्स निभाए, फोटो सेशन किया है। रास्ता ब्लॉक था, बट जो हमने देखा वो सबसे अलग था, बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा था। हम जीप सफारी के लिए जा ही रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि ये टी एस्टेट, और देखिए कितनी लेडीज़ चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। आपको डेमो दिखाऊं? ओके, जस्ट सी। नेक्स्ट व्लॉग में हम जीप सफारी, हिल टॉप व्यू और हमारा नेक्स्ट रिसॉर्ट स्पाइस लैब देखेंगे। टिल देन गुड बाय।